रात्रि में आ जाता है तो राजा मानसिंह का भूत तलवार लेकर उसके ऊपर हमला कर देता है। क्या कोई विरासत इस तरह से वीरान हो सकती है? क्या 400 वर्ष बाद भी कोई राजा अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए इस वीरान खंडर पड़ी विरासत में जिंदा रह सकता है? क्या किसी की आत्मा अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए 400 वर्ष से घूम सकती है? क्यों दिन में भी यहाँ पर लोग बाग आने से डरते हैं? क्या कहानी है इस किले की, वो जानने के लिए आपको इस किले की एक एक बारीक जानकारी को बारीक तरीके से सुनना होगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के सफर में हम आपको लेकर के आए हैं मोहनगढ़ के श्रापित किले पर। यानी कि ये जो किला है एक श्रापित किला है। इस किले में दिन में भी आने से लोग डरते हैं। 400 वर्ष से ये वीरान विरासत जो कि एक बहुत बड़े भूभाग में फैली हुई है, आज एक श्राप की वजह से इस तरह से खंडर हुई है कि आप लोग देखोगे तो आपकी आंखों से आंसू निकलने लगेंगे। हम इसकी पूरी उस 400 वर्ष पुरानी कहानी को भी जानेंगे, उसके पहले हम इसके अंदर चलते हैं और इसकी जो दीवारों की दुर्दशा हुई है, आज जो ये विरासत की दुर्दशा हो रही है उसे देखते हैं। आ जाइए। यहाँ पर देखोगे तो इस विरासत में आज यहाँ पर किस तरह से जंगल हो चुका है आप लोग अपनी आंखों से देख सकते हो। ये जो विरासत है बुंदेलखंड के अंतर्गत आती है और इससे बड़ी विरासत आसपास में नहीं है। यहाँ से मुख्य दरवाजे पर जाने का रास्ता है, जहाँ से हम रानी महल में पहुँचेंगे। ये पीछे जो सैनिक हुआ करते थे, जो सेनापति राजा वगैरह, तो उनके लिए कुछ बड़े आकार में कुछ महल बनाए गए थे। लेकिन अब यहाँ से जब हम ऊपर जाएंगे तो हमें इस भयंकर जंगल से गुजरना पड़ेगा, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरा महसूस होता है। इन झाड़ियों से होकर के हम गुजरेंगे और पहुँचेंगे एक ऐसी सुंदर विरासत को देखने के लिए जिसे देखकर आप लोग एकदम से हैरान हो जाओगे कि इन झाड़ियों के पीछे कितनी सुंदर विरासत छुपी हुई थी। आ जाइए। इन झाड़ियों को पार करके यहाँ पर हम आए हैं तो यहाँ पर 400 वर्ष पहले राजा मानसिंह का बारूद खाना हुआ करता था। यानी कि जब वो दुश्मन से लड़ाई लड़ा करते थे तो इस पूरे जो ये कमरा आपको दिखाई दे रहा है इसमें बारूद भरा जाता था, ताकि दुश्मन से किसी भी प्रकार की कोई नुकसान ना हो। कभी भी कोई दुश्मन इस पर चढ़ाई कर दे तो राजा मानसिंह उसको जीत सके, क्योंकि इस पर कई युद्ध हुए हैं और उन युद्धों की पूरी हकीकत जानकर आप लोग हैरान हो जाओगे। आ जाइए। अभी हम यहाँ पर पहुंचे तो देखोगे ये मुख्य दरवाजा है। एक समय यहाँ पर दो सैनिक बैठकर इस दरवाजे की सुरक्षा किया करते थे। बहुत सुंदर बनावट यहाँ पर नजर आ रही है और इसके अंदर का जो आज हाल है वो आपकी आंखों से छुपा नहीं है। आप लोग अंदाजा लगा सकते हो क्या कुछ दुर्दशा आज इसकी हो चुकी है। तो आइए अब हम इसके इस अंदर के लिए चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे किस तरह से जानवरों का मल डला हुआ है और इसके ऊपर की जो इमारत है, यानी कि ये 2 से 3 मंजिला बना हुआ है, वो टूट चुकी है। कुछ टूटने की कगार पर है, लकड़ियों से इसके भीम डाले गए हैं और बहुत सुंदर बनावट ऊपर आपको इसकी नजर आ रही होगी। आ जाइए, यहाँ से और थोड़ा अंदर चलते हैं। तो अंदर का यहाँ से जो दृश्य दिख रहा है आप लोग देखिए, काफी सुंदर और एक डरावना और काफी घास फूस यहाँ से नजर आ रहा है। चलिए इसके अंदर चलते हैं हम। तो आ जाइए, अब हम इसके अंदर चलते हैं और जब अंदर की ओर जाएंगे तो यहां पर देख सकते हो किस तरह से आज घास फूस है और कितनी सुंदर बनावट आज किस हाल में दिखाई दे रही है। भाई डरावनी आवाजें आ रही हैं यहां पर। तो आ जाइए, इस घास फूस को पार करते हुए हम इसके आंगन में जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज यहाँ पर सिवाय घास फूस के कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। अब हम इसके लगभग आंगन में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ से आप देखोगे उधर कुछ खूंखार कुत्ते खड़े हुए हैं जो किसी भी समय
हम पर हमला कर सकते हैं, जिनकी वजह से हमें ऊपर जाने में भी डर लग रहा है, क्योंकि कुत्तों का एक पूरा झुंड ऊपर 2 मंजिल पर बैठा हुआ है और हमें इसके लगभग 4 मंजिल के ऊपर तक जाना है। अभी हम अपने हाथों में पत्थर लिए थे, आपने देखा होगा, सिर्फ इसीलिए क्योंकि यहाँ पर ये जो जंगली जानवर हैं, जो कुत्ते वगैरह हैं, वो यहाँ पर लगातार किसी भी आने जाने वाले पर हमला कर सकते हैं। इसीलिए हम अपने हाथ में पत्थर को लिए हुए हैं ताकि ये हम पर हमला करें और हम भी इन पर हमला कर सकें। देख सकते हो किस तरह की डरावनी आवाजें उस तरफ से आ रही हैं, क्योंकि बताया जाता है कि 400 वर्ष पहले यहां पर कुछ ऐसी घटना हुई, ऐसी धोखाधड़ी हुई, जिससे राजा ने इस किले में रहने वालों को और इस किले को श्राप दिया है। इसकी वजह से आज ये किला, जो इतनी सुंदर इमारत है, जो देखने में ही देखने वाले का मन मोह लेती है, आज ये इस तरह से घास फूस में ढक चुकी है, वीरान हो चुकी है। 400 वर्ष पहले की कहानी आज इनकी दीवारों पर साफ साफ नजर आ रही है कि जरूर 400 वर्ष पहले यहां पर कुछ ऐसा हुआ जिसने इतनी बड़ी विरासत को आज खंडर में तब्दील कर दिया। दोस्तों, हम इस किले की हर एक इमारत में, हर एक कमरे में तो नहीं जा सकते, क्योंकि इसकी दुर्दशा जो है वो आप लोग देख रहे हो, लेकिन हम इसकी कहानी को आपको बताना चाहते हैं। इसकी कहानी सुनकर आप लोग भी सोचने पर विवश हो जाओगे, आप लोगों का भी दिमाग घूम जाएगा। दोस्तों, बात कर रहे हैं लगभग आज से 400 वर्ष पहले की। 400 वर्ष पहले यहाँ के जो राजा थे, जिनका नाम था मानसिंह बुंदेला, यानी राजा मानसिंह यहाँ पर अपना शासन किया करते थे। उस समय यानी कि आज से 400 वर्ष पहले, जब ओरछा के बुंदेला राजाओं ने अपनी राजधानी ओरछा से टीकमगढ़ में स्थानांतरित कर दी, तो उस समय ओरछा की ये जो सारी जागीरें थी, बनगांव के जागीरदार उदित सिंह को सौंप दी गई थी। उदित सिंह ने इस विरासत का निर्माण करवाया, कि उदित सिंह जो थे वो भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए उन्होंने इस गढ़ का नाम मोहनगढ़ रख दिया। भगवान श्री कृष्ण के नाम पर ही इस गढ़ को मोहनगढ़ का नाम दिया गया, वरना 400 वर्ष पहले इसे गढ़ के नाम से जाना जाता था। उसके बाद महाराजा उदित सिंह के जो पुत्र हुए मान सिंह और विक्रम सिंह, तो पहले जो विक्रम सिंह थे वो स्वयं एक अराजक थे, यानी कि उनकी जो कार्य प्रणाली थी वो बहुत ही खराब थी, जिससे जनता उनको अधिक प्रेम नहीं किया करती थी। तो राजा उदित सिंह ने अपने छोटे बेटे मान सिंह को यहाँ का राजा बनवा दिया। राजा मानसिंह यहाँ पर शासन करते हैं और चारों तरफ से इस किले को एक ऐसी सुरक्षा दी गई है, जिसे अगर आप लोग देखोगे तो आप लोग देख करके हक्के बक्के रह जाओगे। देख लीजिए किस तरह से यहाँ पर जानवर खिसिया रहे हैं। राजा मानसिंह वैसे तो काफी शक्तिशाली राजा थे और प्रजा के लिए काफी अच्छे काम किया करते थे, लेकिन कहते हैं कि जब किसी के पास अपार शक्ति, अपार धन आ जाता है, तो उस धन और शक्ति के मद में वो अहंकारी हो जाता है और कुछ गलतियां कर देता है। दोस्तों, अक्षय तृतीया यानी कि जो तीज का त्योहार कहा जाता है, तो तीजों का त्योहार था, और तीजों का जब त्योहार था तो यहाँ की जो मोहनगढ़ की कन्या थी और जो आसपास की, तो उस समय राजा महाराजा उसे मेघ मांगने के लिए आया करती थी। जब आसपास की यादव कन्याएं यानी तीज का त्योहार जब मनाती हैं, तो राजा मानसिंह से नेग मांगने के लिए आती हैं कि राजा जी कुछ नेग दीजिए, क्योंकि आज तीज का त्योहार है। राजा मानसिंह जब यादव कन्याओं की सुंदरता को देखता है, तो देखकर उन पर मोहित हो जाता है और उनके साथ कुछ छेड़खानी कर देता है। यादव कन्याएं जब राजा मानसिंह की ऐसी गलत हरकत को देखती हैं, उसकी गंदी निगाहों को देखती हैं, तो वो यहाँ से रोते बिलखते हुए अपने माता पिता के पास जाती है। और दोस्तों, आपको एक बात और बता दें, जो राजा मानसिंह थे उनकी सेना में सबसे अधिक यादव समाज के लोग थे। जब यादव कन्या यहाँ से रोती बिलखती हुई अपने माता पिता के पास जाती है और राजा मानसिंह की करतूत को बताती है, तो राजा मानसिंह की करतूत को सुनकर यादव समाज का खून खौल उठता है और वो कहते हैं कि राजा होंगे तो अपने लिए, इस बात के लिए उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। और यादव समाज अपने दिल में ठान लेता है कि वो राजा मानसिंह से बदला लेकर रहेंगे। दोस्तों, उसके बाद राजा खनिया धाना के जो राजा थे वो यहाँ पर आक्रमण करते हैं, लेकिन वो हार जाते हैं। तब यादव समाज के लोग खनिया धाना के राजा के साथ मिलकर इस
किले पर चढ़ाई करते हैं और उस समय जो किले के द्वारपाल थे वो भी यादव समाज के थे। वो दरवाजे को खोल देते हैं और जब दरवाजे को खोला जाता है तो खनिया धाना के राजा की सारी सेना इस किले में आकर चारों तरफ कत्लेआम मचा देती है। यहाँ के हर एक सैनिक को बुरी तरीके से मार दिया जाता है और जो यहाँ की औरतें थीं, राजकुमारियाँ थीं, दासियाँ थीं, उनको अपनी इज्जत आबरू बचाना मुश्किल पड़ गया। जिस समय राजा मानसिंह इस महल में सोए हुए थे तो उनके पास यहाँ पर सैनिक आते हैं और वो कहते हैं कि राजा साहब, खनिया धाना के राजा ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है और हमारे महल के अंदर उनकी सेना प्रवेश कर चुकी है। राजा मानसिंह जब इस सबसे ऊंची इमारत पर चढ़कर देखते हैं तो उन्हें चारों तरफ खनिया धाना के राजा की सेना दिखाई पड़ती है। राजा मानसिंह समझ जाते हैं कि अब जिंदा बचना मुश्किल है, इसलिए राजा मानसिंह स्वयं अपने हाथों से अपनी रानी की गर्दन को कलम कर देते हैं और उसके बाद स्वयं उसी तलवार से अपनी भी जान ले लेते हैं। और मरते मरते राजा मानसिंह इस किले को श्राप दे जाते हैं, इस विरासत को श्राप दे जाते हैं कि कभी भी यहाँ पर यादव समाज के लोग रह नहीं पाएंगे, मैं मरने के बाद भी यादव समाज से बदला लूंगा। और उसी दिन से कोई भी यादव जाति का लोग यहाँ पर नहीं रह पाता है, यहाँ तक कि आसपास के 5 से 10 किलोमीटर दूर तो भी कोई भी यादव समाज के लोग रह नहीं सकते। इस किले में अगर कोई यादव समाज का लोग रात्रि में आ जाता है तो राजा मानसिंह का भूत तलवार लेकर उस पर ऊपर हमला कर देता है। 400 वर्ष से राजा मानसिंह की आत्मा इस वीरान पड़ी विरासत में अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए तलवार लेकर घूमती है। आज भी इस विरासत में रात के समय किसी की आने की हिम्मत नहीं, क्योंकि इसकी जो कहानी है वो आज भी इसकी दीवारों पर लिखी हुई है। आज भी ये विरासत अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए मजबूती के साथ खड़ी हुई है। वक्त ने इसे तोड़ा मरोड़ा, लेकिन आज भी अपने अंदर वो जज्बा, वो जुनून छुपाए हुए है कि अपना बदला पूरा करके ही दम लेगी। आ जाइए दोस्तों, अब हम इस किले के ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। यहां से कुछ ऐसा हाल इस दुर्दशा यहां की हो चुकी है कि डर लगता है कि कहीं कोई दीवार नीचे ना चली जाए। यहां पर देखिए तो यहां पर सारी टूट फूट हो चुकी है और खंडर के रूप में ये दिखाई दे रहा है। बताया जाता है कि एक बार यहां पर कई लोगों ने खजाना निकालने के लिए इस गड्ढे को खोदा था, तब यहां पर एक बम विस्फोट सा हुआ था और उन लोगों को अपनी जान बचानी मुश्किल पड़ गई थी। राजा मानसिंह ने उनके ऊपर हमला कर दिया था। आ जाइए अब यहां से चलते हैं। यहां पर देखिए तो 2 मंजिल पर जानवरों का मल ही मल डला हुआ है और यहां पर कुछ पानी वगैरह भी है, कहीं ऐसा ना हो कि नीचे धस जाएं। आराम से आना भाई, आ जाइए भाई। हम इसकी छत पर पहुंचेंगे और छत से इस पूरी विरासत को आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आ जाइए। और लगभग काफी मशक्कत करने के बाद अब हम इस किले की छत पर आ चुके हैं। तो छत से देख सकते हो किस तरह की ये विरासत आज वीरान हो चुकी है। इस तरफ आप देख रहे हो तो ये खंडर आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी घास फूस ने आज इसे अपना घर बना लिया है और इसके इस तरफ ये पहाड़ी लगी हुई है, दूर तक इसकी दीवार लगी हुई है जो इसको सुरक्षा दिया करती थी। बताया जाता है कि राजाओं ने जब इसका निर्माण करवाया तो ये जो तालाब है, ये तालाब यहाँ पर इसको 2 तरफ से सुरक्षा देता था, क्योंकि जब भी कोई राजा इस पर आक्रमण करने के लिए आता था तो इस तालाब को 7 बार पार करना पड़ता था। ऐसे 7 नाले यहाँ पर लगातार बने हुए हैं और इस तरफ एक भयंकर पहाड़ी बनी हुई है, इसी वजह से कोई भी इसको आसानी से युद्ध करके जीत नहीं पाता था। खनिया धाना के राजा ने इस पर लगभग 3 से 4 बार आक्रमण किया, लेकिन हर बार उन्हें हार का ही सामना करना पड़ा। दोस्तों सबसे पहले तो आप इस विरासत की दुर्दशा देख लीजिए, उसके बाद इसके इतिहास को जानना बेहद जरूरी है। यहाँ पर देखिए तो इस विरासत की काफी सारी इमारतें आज किस तरह से टूट फूट हो चुकी हैं, कैसा दृश्य यहाँ पर आज दिख रहा है। आप लोग अंदाजा लगाइए कि एक समय जब राजा महाराजा यहाँ पर रहा करते होंगे तो क्या कुछ यहाँ की सुंदरता होगी। सामने ये जो बना हुआ है इसे बोला जाता है हवा महल, यानी कि राजा मानसिंह और उनकी रानियां
अक्सर यहाँ पर इस हवा महल में बैठकर चौसर खेला करती थी, क्योंकि इसमें हवा 9 दरवाजों से आती है। इसे हवा महल इसीलिए कहा जाता है। यहाँ पर देखिए तो हर तरफ 3-3 दरवाजे बने हुए हैं और चारों तरफ से हवा और सुंदर कलाकृति यहाँ पर बनी हुई है। उस समय का निर्माण यानी बेजोड़ निर्माण था यहाँ पर। जिस समय राजा मानसिंह और उनकी रानियां यहाँ पर बैठकर चौसर खेला करती थी तो चारों तरफ से ठंडी हवा यहाँ पर आया करती थी। उस समय यहाँ पर पानी भर दिया जाता था और राजा पानी भर दिया जाता था तो गुलाब के फूल डाले जाते थे, इसमें जैस्मिन के फूल डाले जाते थे ताकि सुंदर खुशबूदार हवा यहाँ पर आ सके। यहाँ पर ये अलमीरा जो दिखाई दे रही है, यहाँ पर राजा मानसिंह और उनकी रानियां कुछ जरूरी सामान रख दिया करती थी। एक छोटा सा अलमारी था ये उस समय का। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर अगर गौर दोगे तो इतनी बड़ी विरासत आज किस तरह से धरती में मिलने के लिए जा रही है, कुछ ही साल बाद हमें ये विरासतें देखने को नहीं मिलेंगी। आप लोगों को जरूरत है अधिक से अधिक इस वीडियो को वायरल करने की, लोगों के पास भेजने की, ताकि इसकी रख रखाव हो सके, इसकी थोड़ी सुरक्षा हो सके, क्योंकि जरूरत है इसकी देखरेख की। देख सकते हो कितनी सुंदर इमारत एक समय बनाई गई थी। ऊपर जो गोल गोल आपको पत्थर के दिखाई दे रहे हैं उसमें उस समय रात्रि में मसाले लगाई जाती थी, क्योंकि पहले लाइट वगैरह का कोई सिस्टम नहीं था। 400 वर्ष पहले ईंटों से कितना सुंदर निर्माण हुआ है आप स्वयं देखिए। ईंट, चूना, पत्थर और कंकड़, सिर्फ उसी से इसका निर्माण है। और यहाँ पर एक चीज और मैं आपको दिखा दूं, जब राजा मानसिंह अपनी रानियों के साथ यहाँ पर चौसर खेला करते थे तो यहाँ पर देखिए आपको छले लगे दिखाई दे रहे होंगे। कुछ छले तो खींच लिए गए हैं, क्योंकि जब यहाँ पर लोग जो शराबी लोग आते हैं तो ये अष्ट धातु से बने हुए लोहे हैं, तो इनको खींच ले जाते हैं और अपनी शराब के लिए इनको बेच देते हैं। फिर भी आज काफी मात्रा में छले लगे हुए, इन छलों में पर्दे डाल दिए जाते थे ताकि कोई भी राजा रानी जब यहाँ पर चौसर खेले तो कोई उनके बीच में उनको देख ना सके, डिस्टर्ब ना करे। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर आप देखोगे उस समय यहाँ पर एक सिंहासन हुआ करता था और एक सिंहासन उस तरफ हुआ करता था। यहाँ पर बीच में जो एक छोटा सा आपको चबूतरा जैसा दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर राजा बैठा करते थे और यहीं पर राज परिवार का जो दरबार जैसा हुआ करता था, कोई मीटिंग वगैरह हुआ करती थी ना किसी से युद्ध करने की या कुछ भी, तो यहीं पर डिसीजन लिए जाते थे। इस तरफ ये सारा राज परिवार के रहने के लिए व्यवस्थित तरीके से बनाया गया था, जिसमें लगभग आज भी 250 से 300 कमरे बने हुए हैं, क्योंकि काफी लंबी मात्रा में काफी लंबी दूरी तक ये बना हुआ है। इस तरफ राजा मानसिंह के सेनापति, मंत्री और सेना वगैरह रहा करती थी, यानी कि 400 वर्ष पहले बहुत बड़ी विरासत ये हुआ करती थी, लेकिन आज पूरी तरह से जमींदोज होने की कगार पर है। यहाँ पर आप देखोगे तो कुछ कमरों में इतनी सुंदर भित्ति चित्र भी बने हुए हैं, जिन्हें देखोगे तो आप लोगों को लगेगा कि ऐसी सुंदरता शायद कहीं और नहीं। यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखोगे तो ये राजा मानसिंह का तीसरे मंजिल का है और तीसरे मंजिल पर ही रानी रहा करती थी। तो ऊपर देखोगे काफी सुंदर बनावट आपको नजर आ रही होगी, काफी सुंदर मोर पंख और रानी की तस्वीरें इस महल की छत पर दिखाई गई है, जिसे आप बारीकी तरीके से देखोगे तो काफी सुंदर है। चारों तरफ छले लगाए गए थे ताकि रानी कभी झूलना भी चाहे तो झूल सकती है। इस तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो राजा मानसिंह की रानियां हुआ करती थी उनका एक सीक्रेट लॉकर था, इसमें उनके गहने वगैरह रखे जाते थे और यहाँ से वो नीचे की तरफ नजर दिया करती थी ताकि राजा जब भी आए तो दरवाजे से जब एंट्री ले तो यहाँ से वो देख सके, क्योंकि ये दरवाजा नगर की तरफ था। और इस तरफ आप देखोगे तो ये छोटे से दरवाजे और इन दरवाजे को पार करके हमें एक बड़ा सा हॉल दिखाई देगा। तो यहाँ पर भी ये दोनों कक्ष रानी के अंडर में आते थे, रानी इन्हीं कक्षों में रहा करती थी। यहाँ पर आप देखोगे तो ये रानी का चेंजिंग रूम है, यहाँ पर रानी के कुछ जरूरी सामान रखे जाते थे और इस तरफ से रानी जो आंगन का सारा व्यू है वो दिया करती थी, यहाँ से आंगन में देखा करती थी, काफी सुंदर व्यू यहाँ से दिखाई पड़ता था। ऐसे काफी सारे अच्छे अच्छे निर्माण यहाँ पर हुए हैं। यहाँ से नीचे जो सैनिक वगैरह हुआ करते थे तो वो नीचे निगरानी किया करते थे, अगर कोई इस किले पर चढ़ाई करता है तो खौलता हुआ पानी उसके ऊपर डाला जाता था।
तो देख सकते हो दोस्तों 400 वर्ष पहले कितनी मजबूत तरीके से, कितनी सुंदर कलाकारी से एक विरासत को बनाया गया था। लेकिन आज वक्त की मार ने इसे पूरा तोड़ फोड़ कर रख दिया है, और वो दिन दूर नहीं जब ये विरासतें पूरी तरह से खंडर हो जाएंगी और इनमें आने से लोग बाग डरने लगेंगे। अभी हम इसके सबसे ऊंचे छत पर आ चुके हैं। देख सकते हो दूर तक छोटी छोटी सुरक्षा चौकियां बनी हुई हैं, यानी कि 10 से 12 सैनिक हर एक सुरक्षा चौकी पर रुककर इस किले की सुरक्षा दिया करते थे। और इस तरफ यह वीरान पड़ी विरासत जो आज वक्त के साथ आंसू बहा रही है वो आपको दिखाई दे रही होगी।